बेरमो विधानसभा में कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया और पति अनुप सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान अनुपमा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। तो बीच में दिया जा रहा है जिससे आम गरीबों को अधिक से अधिक। हम लोगों का आज दौरा जरेडी से शुरू हुआ, जैना पंचायत, बांदडी और भी कुछ हमारा बुरचुंडी में हमारा वो था जनसंपर्क, और वो करते हुए फिर हम लोग अभी यहाँ दुर्गा पंचायत में यहाँ पे पहुँचे हैं झरना बस्ती में। आगे और भी कार्यक्रम है, बस जारी। कुछ आपके कार्यकर्ता उत्साहित भी है तो कुछ कहीं कहीं नाराजगी भी दिख रही है। सामने कहीं नाराजगी नहीं दिख रही है, कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, उत्साह से भरे हुए हैं। वो लोग जानते हैं कि उनके पास मतलब अगर कोई मतलब हम लोग सुन सुन के वो हो गए, थक गए हैं कि मेरा हीरो अनूप सिंह है और बेरमो का हीरो अनूप सिंह है, वही रहेगा, कोई और नया नहीं है। क्यों? अब क्यों तो आप उनसे पूछिए, ये उनकी जुबान में अभी आपके सामने रख रही थी। नहीं, एक तरफ तो भाजपा वाले कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार में, जेएमएम सरकार में आपका काम नहीं हुआ, जो वादा किए उसको पूरा नहीं किया गया। कौन से वादे किए गए जो पूरे नहीं किए गए? 15 लाख के वादे हम लोग किए थे क्या जो पूरे नहीं हुए? 2 करोड़ रोजगार का वादा हम लोगों ने किया था जो पूरे नहीं हुए? वो अपना वादा पहले याद करें और देखें कि उन्होंने क्या किया। हमारे लिए हम काफ़ी हैं और हमारा मैया सम्मान योजना सबकी मैया के चेहरे पे जो मुस्कान दे रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अबवा आवास, मैं जिस भी बस्ती में जाती हूँ न जाने कितने लोग हैं जो अबवा आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, वो किसी से भी छुपा नहीं है। हमारी बहनें जो 60 वर्ष में पेंशन का इंतज़ार करती थी वो 50 वर्ष में आज पेंशन लेकर बहुत ही खुश है। विकलांग पेंशन मिल रहा है, न जाने कितनी योजनाएँ हैं जो हमारी सरकार दे रही है। तो कहाँ हम वंचित रह गए हैं? बेरमो विधानसभा क्षेत्र में क्या आपको लग रहा है किस नीति से या किस ऐसा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी गिरढ़ी लोकसभा का प्रवेश मुझे बनाया, उसके अंदर 6 विधानसभा होता है, वहाँ 2 कैंडिडेट विभाग हमारा एक बेरमो में उसका कभी चल रहा हो सकता है हो जाए रात रात तक में। तो अभी जो कांग्रेस का माहौल गठबंधन में भी है अच्छा दिखाई दे रहा है, और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं आशा रखते हैं कि आगामी सरकार हम लोग बनेगी, इसी उम्मीद से हम लोग बढ़िया सरकार है। कैसे किस क्या मुद्दा है जो सरकार आपसे बनेगी? देखिए मुद्दा एक तरफ मोदी जी का जितने मुद्दा है अब तो मुद्दे के लिए 10-15 साल में जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। जो बोलते हैं बाद में बोलते हैं, जुमलावादी बोल रहे हैं। आपको याद होगा नोटबंदी के समय में अचानक नोटबंदी बंद किए, जितने माता बहनों को जो घर में पैसा रखा हुआ था बाहर आ गया, अचानक फिर वो 1000 रुपया बंद कर दिए। तो उनका जो है कि बोले 15 लाख रुपया लगा देंगे काला धन, अभी तक नहीं आया है। बेरोजगारी का नाम कोई नौकरी देंगे वो नहीं हुआ है। कोरोना के समय में लोग बोले देश के जो भी लड़का पड़ रहा है जो कर रहा है, किसी का मकान मालिक किराया देगा नहीं काटेगा, उसमें घोषणी करके घोषणा करवा दिए करने वाले को डिपेंड। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।